फिर हम इस बिजनेस से लापरवाही क्यों करते हैं? हमें डेली कामयाब अगर होना चाहते हो तो इसका एक ही मूल मंत्र है, सिर्फ और सिर्फ एक। जिस दिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ऑलरेडी सभी ज्वाइन है, एक या दो परसेंट को छोड़ के, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट या इसके अलावा हम मार्केट से नहीं यूज करेंगे। ये कमिटमेंट खुद से करें, अपने आप से, कि जो भी प्रोडक्ट है मैं सेल्फ यूज करूँगा या करूँगी। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी मीटिंग, इवेंट, सेमिनार, ऑनलाइन ऑफलाइन मिस नहीं करनी है। कई जगह पे क्या होता है कि उसकी मतलब टिकट होती है, चाहे वो 200, 500, 1000 कुछ भी है, हमें बिजनेस में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना, वो कमा भी नहीं सकता। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? बिजनेस में अगर आप कमाना चाहते हो लाखों करोड़ों, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो, सीखने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। उसके बाद हम जो बिजनेस करते हैं, तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो उनके अंदर जोश होता है। और जैसे ही हमारे बीच में मान लो कोई हस्बैंड गेस्ट आया, वो जाके बोलेगा कि बस मैं तो काम करूँगी और मैं एक साल में गाड़ी लूँगी, लाखों रुपए ये आएगा वो आएगा, और दो दिन तीन दिन के बाद वो ना आपको गायब दिखाई देगा, नहीं होगा। मतलब जब हम स्टार्टिंग में आ तो जाते हैं, हमारे अंदर वो जोश भी होता है, लेकिन महीना दो महीने के बाद जोश गायब, वो किन लोगों का गायब होता है जिन्होंने अपने सीनियर को अपनी कमिटमेंट नहीं दी। आप सीनियर से गारंटी मांगते हो कि क्या पैसे आएंगे, क्या लाखों रुपये आएंगे, क्या गाड़ी आएगी, उससे पहले आप अपना कमिटमेंट दो कि ना तो आप चेंज करोगे और ना मैं चेंज करूँगी। हम दोनों 5 साल तक किसी प्लेटफॉर्म पे टिके रहेंगे, कोई मीटिंग को मिस नहीं करेंगे, किसी इवेंट को मिस नहीं करेंगे, और जहाँ भी आप कहोगे वहीं पे आएंगे। बस मुझे तो ना लाखों रुपये महीना चाहिए, अपना टारगेट बना लो, आपको चाहिए क्या? आपको 1 लाख रुपये महीना चाहिए, आपको 2 लाख रुपये महीना चाहिए, या आपको 5 लाख रुपये महीना चाहिए? अपने सीनियर को बता दीजिए। मैंने सर को बताया था, डॉक्टर साहब को, सर ने बोला था कि 1 लाख रुपये महीना कमा के दिखाओ। मैंने बोला था सर मुझे ज़रूरत है, और मेरी नीड थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं क्लांस में जुड़ी, मेरे हस्बैंड ने चलती फिरती दुकान को बंद कर दिया था, चलती हुई दुकान को बंद कर दिया, जो कि हमारे पास एक ही रोजगार था। और जब आपके पास इनकम आने के सोर्स ही ख़त्म हो जाते हैं तो क्या करोगे? फीस भी जाएगी, बिजली का बिल भी जाएगा, धूप का भी जाएगा, और घर में जो भी खर्चे होंगे तो उसका भी जाएगा। और उस टाइम पे तो हजारों बीमारियाँ थी, डॉक्टर को भी जा रही थी, तो कोई बगैर पैसे कर देगा कोई काम? नहीं करेगा। लेकिन मैंने उस टाइम पे सर को बोला कि सर आज मेरी ज़रूरत है, मुझे 1 लाख रुपये महीना कैसे आए मुझे वो बता दीजिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सीनियर के साथ बैठते हैं और ये बोलते हैं कि मैं यस सर मुझे 1 लाख रुपये महीना कैसे आए वो मुझे बता दो। 1 लाख रुपये महीना कमाना चाहते हो? यस और नो? यस। चाहते हो? यस। लेकिन करते कितना है ना? चाहता तो हर कोई है, हर कोई। अगर आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना, अभी पीछे छोटा सा बच्चा बैठा है, मैं उससे पूछूंगी बेटा पैसे चाहिए, क्या मना करेगी? नहीं करेगी। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि क्या हम आज जो मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको 1 लाख रुपये महीना आएगा? Yes or no? Yes.